डिजिटल ट्रांजेक्शन के तेजी से बढ़ते दौर में भले ही बैंक की शाखाओं पर निर्भरता कम हो गई हो, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम काम होते हैं जिनकी वजह से आपको ब्रांच में जाना होता है। अगर आप भी आमतौर पर अपने बैंक की ब्रांच में जाते रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैंकिंग डिवीजन ने सरकारी बैंकों का टाइम बदलने का फैसला किया है। अमूमन सरकारी बैंकों में सुबह 10 बजे से काम काज शुरू होता है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के RRB सुबह 9 बजे से खोले जाने का फैसला किया है। पिछले दिनों जून में बैंकों के खुलने के समय को एक करने के मकसद से वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जून में मीटिंग की थी। इस बैठक में तय किया गया था कि बैंकों में कामकाज ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए बैंकों की खुलने के समय में बदलाव के लिए मंजूरी दी गई। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA ने 24 जून को ग्राहक सुविधा पर गठित उपसमिति की बैठक में बैंक शाखा खुलने के लिए 3 विकल्प दिए। पहले विकल्प के तौर पर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे का समय, दूसरे विकल्प के तौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे का समय, इसमें तीसरा ऑप्शन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का दिया गया। IBA ने बैंकों से कहा कि 31 अगस्त तक जिला स्तरीय ग्राहक समन्वय समिति की बैठक कर बैंकिंग टाइम के बारे में निर्णय कर लें और इस बारे में स्थानीय समाचार पत्र में भी जानकारी दे दें। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि कहीं पर ग्राहक देर तक बैंकिंग सर्विस चाहते हैं तो वहाँ पहले की तरह सुबह 10 या 11 बजे से भी बैंक खोलने का विकल्प रहेगा। बैंकिंग डिवीजन की तरफ से किया गया ये फैसला सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB पर लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि बैंक खुलने का नया समय सितंबर में से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बैल का आइकन देख रहे हैं इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।